ए डुचक्या डुचकी, क्या क्या है ये? मिसल पाव मिसल पाव खाया ना बका बका, तो आवाज ऐसे निकाल रहे हो जैसे मात्र पाव खाया हो पानी में डुबो डुबो के। जरा जोर से हंसो और जोर से, अंदर से आवाज निकालो अंदर से। अन्ना अन्ना, मैं जोर से हंसता हूँ तो दुखती है मेरी पसलियाँ। बैल जब खेत जोतता है तो उसकी भी दुखती है पसलियाँ। तो गाना बिना कुछ नहीं, गाना ना है मात्र हंसो। ये लॉफ्टर क्लब चालू किया क्या घर में? ए माठिया, इन पे मत हंस, इनके साथ हंस। दुश्मनों को हमें ये दिखाना है कि अभिषेक का रिश्ता होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको बिल्कुल दुख नहीं हुआ है, उल्टा हम लोग तो खुश है। एक मिनट, अन्ना आपकी बात तो बरोबर है, लेकिन इस बार दुश्मनों ने भी सॉलिड चाल चली है। वो अपना दत्तू है ना, दत्तू फावड़ा, हाँ उसकी पावभाजी की लारी पे मुझे चिराग मिला था, उर्मिला वहिनी का भतीजा। उसने मुझे बताया दुश्मन खेमे में ऐसी बात चल रही है कि जरूरत पड़ी तो अभिषेक दो फेरे कम लेगा, लेकिन शादी तो पहले अभिषेक की ही होगी। अरे एक मिनट अन्ना, क्षमा करना बीच में बोलने के लिए, लेकिन केशव भाऊ जी वो चिराग मतलब कि वो गुजराती लड़का मराठी पाव भाजी के ठेले पे क्या करने आया था? सफरचंद खाने। अगो भाई, ओ भारती वहिनी, पाव भाजी के ठेले पे आदमी पाव भाजी खाने ही जाएगा ना? अरे वो पाव भाजी नहीं खाता अन्ना, ये केशव पाव भाजी खाता है और बिल उससे भरवाता है। केशव नालायक ऐसा काम करता है तो गुजरातियों से बिल भरवाता है, बहुत अच्छा काम करता है। हाँ ना, लेकिन लेकिन वो बेचारा हमारी उज्ज्वला को पसंद करता है और ये केशव उसी बात का फायदा उठाता है। उज्ज्वला के बारे में कुछ बात करनी है ऐसा बोल के उसको हर बार बुलाता है और फिर बिल उसी से भरवाता है। अरे कपाड़ करंट माठिया, जरा भी शर्म नहीं आती तुझे? मैंने तुझे वो अप्रतिम दोषी को ढूंढने के लिए भेजा था और तू छल कपट भरी पाव भाजी खाने बैठ गया। छल कपट से भरी नहीं अन्ना, बटर से भरी। ए, ए, ला, लार घोटा, क्या 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 कर क्या क्या करूं मैं तेरा? तुम लोग समझो, दुश्मन को दिखाने के लिए ही सही, झूठ मुख का रिश्ता तो चाहिए ना हमें, और उसके लिए वो अप्रतिम जोशी को ढूंढना ही होगा, है कि नहीं? बोलो बका, आप सिर्फ उन्हें हंस के दिखा रहे थे, ये तो आपको गाना सुना रहे हैं, वो भी रात के 10:30 बजे। तू रोक, 10:30 क्या, 12 बजाता हूँ इन लोगों के मैं। अरे दुश्मन पार्टी, बंद करो ये वाहियत गाना। क्यों भाई, क्यों बंद करें? अरे हमारे बेटे का रिश्ता तय हुआ है, हम तो खुशियां मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। हाँ हाँ, और अभी तो सिर्फ नाच गा रहे हैं हम लोग, अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पे फटाके भी फोड़ने वाले हैं। नहीं फटाके नहीं, तोप के गोले छोड़ने वाले। नहीं, तोप के गोले भी नहीं, रॉकेट छोड़ेंगे। तो आपके रॉकेट का पूरा बना के दरिया में फेंक दूंगा मैं। ओह फेंकू जान, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखेंगे जब हमारा बेटा अभिषेक अपनी होने वाली दुल्हन के साथ साथ फेरे लगाएगा। अन्ना, ओ महेंद्र बाबू, जब तक आपका अभिषेक अपनी नई दुल्हन के साथ 7वां फेरा शुरू कर रहा होगा ना, तब तक तो हमारी गायत्री उसके नए हस्बैंड के साथ शादी वादी निपटा के मस्त हनीमून के लिए पहुंच भी गई होगी, है कि नहीं अन्ना? बोलिए हाँ 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 हाँ, इसमें क्या संदेह है क्या? और नहीं तो क्या, और महेंद्र बाबू देख लेना, जीत तो हमारी ही होगी। वैसे अन्ना भाई, आपके होने वाले दामाद का नाम क्या है? अप्रतिम जोशी। अरे अप्रतिम जोशी, ये भी कोई नाम हुआ।
नाम तो हमारी होने वाली बहू का है, ऐश्वर्या मेहता। वाओ, नई मम्मी का नाम तो मस्त है। हाँ, और स्वभाव से भी बहुत अच्छी है। बेटा तुम्हें बहुत पसंद आएगी वो, तुम्हें पता है? वो आज मुझे कह भी रही थी कि आज मुझे क्रिस से मिलवाने ले चलो, क्रिस से मिलवाने ले चलो। अरे तो मिलवाना चाहिए था ना पापा। अभी एक काम करिए, उनको कॉल लगाइए और आइसक्रीम खाने के लिए बुला लीजिए। हाँ? बहुत हो गई आइसक्रीम, चलो घर। क्या हुआ मम्मी, पापा को नई वाइफ मिली या आपको पसंद नहीं आया? मुझे उससे क्या बेटा, आपके पापा की अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। अभी घर चलो। रुको ना मम्मी, पापा पता है मम्मी को भी नए हस्बैंड मिल गए। हाँ पता चला मुझे, क्या नाम है उसका? अप्रतिम जोशी। क्या बिना बात हंस क्या रहे हो तुम? बिना बात का क्यों हंसू, मैं क्या पागल हूँ? मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि मैं तुम्हारा सारा गेम समझ रहा हूँ। तुम्हारा वो जो अप्रतिम जोशी है ना, वो मुझे डमी कैंडिडेट लगता है। तुम और अन्ना मिलके हमारी कंपटीशन में बस दिखाने के लिए किसी को भी खड़ा कर रहे हैं। अच्छा मतलब हम झूठे और तुम सच्चे? यस नो, ना हम झूठे हैं और ना तुम सच्चे हो, पर डमी कैंडिडेट ना, मुझे तुम्हारी वो क्या नाम है उसका, ऐश्वर्या मेहता, वो लगती है डमी कैंडिडेट। डमी कैंडिडेट? ए कपटी केशव, क्या मतलब क्या है तेरा? अन्ना भाई ये कोई ग्राम पंचायत का इलेक्शन है जो हम डमी कैंडिडेट खड़ी करेंगे? खड़ी क्या करेंगे, कर चुके हैं आप। पर हम आप जैसे फरे भी नहीं है महेंद्र भाऊ। अरे हमने हमारी गायत्री के लिए सच्चा असली और सीधा दामाद ढूंढा है। अच्छा तो फिर कल मिलवाइए ना आपके होने वाले दामाद से। हाँ हम भी हमारी बहू को मिलवाते हैं आपसे। हाँ तो हम भी मिलवाएंगे। क्या 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 मिलवाना मिलवाना क्या मिलवाना क्यों? अभी आपने देखा था ना वीडियो कॉल पे, आपने चेहरा भी देखा था ना उसका। अच्छा मतलब नहीं मिलवाना चाहते? मतलब भाग गया है वो। अरे भागा नहीं, भागा नहीं है, मैंने पहले ही बोला भागा नहीं है वो। तो फिर मिलवाइए ना, मिलवाएंगे ना अन्ना भाई। हाँ मिलवाएंगे अन्ना, है कि नहीं अन्ना, बोलिए। हाँ हाँ मिलवाओगे ना उसे, उस अप्रतिम से? क्या हुआ, जवाब दे दो ना मम्मी, बोल दो ना कि कल मिलवाओगे, तो पापा आपको ऐसे ही टीज करते रहेंगे। बोलने दो ना बेटा जो बोलना है आपके पापा को, और वैसे भी अब आपके पापा की किसी भी बात का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ेगा मम्मी, जब पापा मेरे लिए न्यू मम्मी लाएंगे तो शर्त के अनुसार मुझे आपको छोड़ के पापा के पास जाना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कल ही मिलवाती हूँ तुम्हारे पुराने पापा को तुम्हारे नए पापा से। अभी कहाँ से लाएंगे अप्रतिम जोशी को, हमारे पास ना तो उसका आता है ना पता है, क्या करेंगे ये भीड़साने? तुझे क्या आवश्यकता थी गुजराती लोगों को बोलने की कि हम मिलवाएंगे उनसे वो अप्रतिम जोशी को? जोश जोश में ना अन्ना मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। तेरे जोश ने मेरे होश उड़ा दिए है कार्तिक। गायत्री ने भी तो बोल दिया ना अभिषेक को कि वो अप्रतिम से मिलवाएगी करके। अरे गायत्री बोली है, बच्चे है वो, बोल दिया बेचारे ने जोश जोश में। लेकिन तू तो चालाक है, धूर्त है, कपटी है, कपटी, तूने कैसे क्या बोला? अन्ना अन्ना जाने दीजिए ना, गलती हम दोनों से हुई है, और मुझे तो उस अभिषेक ने इस तरह से घेर लिया था कि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था, और ऊपर से वो कृष्णा, उसे तो ऐसा लगता है जैसे कोई खेल ही मिल गया है, पीछे पड़ा रहता है, मम्मी नए पापा से मिलवाओ, मम्मी नए पापा से मिलवाओ, मम्मी नए पापा से मिलवाओ। अरे वो बेचारा मासूम है, हमारा बच्चा है कृष्णा, क्या गायत्री? हाँ अन्ना मैं जानती हूँ कृष्णा ने जो कुछ किया वो अपनी नादानी में किया है, लेकिन हम लोग तो समझदार है ना, हम लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है नाटक करने की। अभिषेक को शादी करनी है तो करने दीजिए। अरे ये सब उस नाला की शादी के लिए नहीं कर रहे, हमारे बच्चे के लिए कर रहे, हमारे कृष्णा के लिए कर रहे हैं गायत्री। ये नाटक करना आवश्यक है क्योंकि हम कृष्णा को उन लोगों के पास नहीं ना भेज सकते, कृष्णा जान है हमारी।
हमारे प्राण है वो, हम जिंदा नहीं रह सकते कृष्णा के बिना। रह सकते हैं क्या बोल तू? मतलब अभी ये फाइनल है कि ये नाटक हम जारी रख रहे हैं? वो इस नाटक के अतिथि कलाकार यानी अप्रतिम जोशी को ढूंढ के लाना पड़ेगा, लेकिन अब मुसीबत ये है कि कल सुबह तक ढूंढ के लाए कहां से उस अतापता लापता को। कहां से ढूंढ के लाए मतलब? ऐश्वर्या तो इस रिश्ते के लिए राजी हुई थी ना पापा, अपना फोन नंबर भी देके गई थी और बोल रही थी जब भी फोन करोगे तब आ जाऊंगी। हाँ बेटा ऐसा बोल के गई तो थी, लेकिन हम कब से फोन लगा रहे हैं उसको, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ? ये ऐश्वर्या गई खड्डे में है? हम अपने अभिषेक के लिए ऐसे दूसरी हाई क्लास तबला तोड़ लड़की खड़ी कर देते है ना। अरे डोबी, अन्ना भाई ने वीडियो कॉल पे ऐश्वर्या का चेहरा देख लिया है, उसका क्या करेंगे? उसका क्या, उसका कुछ नहीं। अरे हम बहाना बना देंगे कि लड़की की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है इसलिए चेहरा चेंज हो गया। क्या करूं मैं तेरा? करना क्या है, पलकों पे बिठा के रखिए, दिल में सजा के रखिए। तू वजन कम कर फिर पलकों पे बिठाता हूँ। अरे मुद्दे पे आना भाई। हाँ। अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि हम कर तो ये सब नाटक ही रहे, हमें कौन सी अभिषेक की सच में शादी करवानी है तो फिर। एक मिनट मम्मी, आपको क्या लगता है मैंने नाटक करने के लिए सब कुछ किया? नहीं है मम्मी, मैं सच में शादी करना चाहता हूँ, और वो भी गायत्री से पहले। है ये तू क्या बोल रहा है? अरे इसको छोड़ना, पहले तू बता तू क्या बोल रही थी। हमारा तय हुआ था ना कि अगर अन्ना भाई गायत्री के लिए लड़का ढूंढ लेंगे तो हम अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी कर देंगे। हाँ। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अन्ना भाई और गायत्री झूठ बोल रहे हैं। महेंद्र आपको याद नहीं है हमने वीडियो कॉल पर जब उस लड़के का चेहरा दिखा था वो कितना डरा हुआ लग रहा था? अरे उससे ज्यादा तो मैं डरा हुआ था तुझसे शादी करते वक्त, जब बार बार मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि बेटा महेंद्र एक बार फिर से सोच ले कहीं तू कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा। आज जब सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि काश मैंने मेरे दिल की बात सुन ली होती। अच्छा मेरे जैसी मॉडल टाइप फुल फटाक लड़की आपके जैसा ऑर्डिनरी लुकिंग आदमी को मिल गई तो आप बातें सोच रही है आपको है? मैं और ऑर्डिनरी लुकिंग? आप तो रहने ही दीजिए, आपसे मैं बाद में निपटूंगी, पहले इसको निपटाती हूँ। मींस के इसको समझाती हूँ। देख बेटा तू एक बार फिर से सोच ले, ये जो तू सोच लिया, मैंने सब कुछ सोच लिया है मम्मी, बस आप लोग विश्वास कीजिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। मैं सब सोच समझ के कर रहा हूँ बेटा। हाँ तूने मुझ पर भरोसा किया ना, मैं तेरा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। तूने नोट किया ना जब भी तूने गायत्री के सामने अभिषेक की होने वाली बीवी का जिक्र किया और अभिषेक के सामने गायत्री के होने वाले पति का जिक्र किया तो दोनों कैसे बेचैन हो गए, परेशान हो गए, किया ना नोट तूने? हाँ काका, और आपने ये बताया था कि उन दोनों का एक दूसरे के लिए जो छुपा हुआ प्यार है ना उसकी वजह से होता है। करेक्ट, अब अगर तू मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करेगा ना तो उन दोनों का छुपा हुआ प्यार फटाक से बाहर आ जाएगा, हम दोनों मिलके उनके इस छुपे हुए प्यार को बाहर निकालेंगे। कृष्णा तू देखना वो सारे झगड़े सारी नफरत भुला के फिर से एक दूसरे के हो जाएंगे, बस तू सिर्फ उन दोनों का मोर्चा संभाल के रख और मैं अन्ना का मोर्चा संभाल के रखता हूँ। अब तो कुछ भी हो जाए मैं तेरे मम्मी पापा को एक करके ही रहूंगा। लगता है कोई हमारी बात सुन रहा है कृष्णा। कौन है दरवाजे पे, कौन है? कृष्णा बेटा थोड़ी देर के लिए तुम बाहर जाके खेलोगे प्लीज? जी काकी। निर्मिति, निर्मिति देखो, निर्मिति क्या कर रही हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए केशव, मैं आज तक आपको समझ ही नहीं पाई। आप बाहर से कितने भी कपटी कमीने धूर्त लगते हो लेकिन आपके दिल में ये जो अभिषेक और गायत्री को एक करने की महान भावना छुपी है उसने मेरे दिल को छू लिया और इसीलिए मैं आपके पैर छूकर आपको कहती हूँ कि मैं आज आपकी अब तक की सारी घटिया कमीनी हरकतों
और सारी गलतियों को माफ करते हो। ये क्या बोल रही हो निर्मिति? माफी मुझे मांगनी चाहिए, सॉरी मुझे कहना चाहिए निर्मिति। और मैं कहता हूँ, आज तक मैंने जितनी भी गलतियां की ना उसके लिए सॉरी। और मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। बस तुम ये मेरे और कृष्णा के बीच में राज की बात को राज बनाए रखना। ये तुम्हारे केशव की केशव लीला है निर्मिति, भरोसा करना। इसमें इसमें सबका अच्छा होगा, सबका कल्याण होगा, सबका। तो सोच के नींद नहीं आ रही कि कल अप्रतिम जोशी को लाएंगी कहां से? आहो मैं शांत ही हूँ। नहीं आप शांत नहीं है, आप गलत हैं। अरे हाँ इस बार आप गलत हैं। मैंने जीवन में कभी आपके निर्णय का विरोध नहीं किया, फिर वो निर्णय मुझे पसंद हो या ना पसंद, क्योंकि मुझे हमेशा ही लगा कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन अभी ये जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है। मैं एक माँ हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ अपने बेटे को, अपने अभिषेक को, इसलिए पहली बार आपसे बोल रही हूँ। मेरा बेटा धोखेबाज हो ही नहीं सकता। दोस्त ना देखिए आप शांति से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। बोल। मुझे हमेशा से आशा थी कि भले अभिषेक और गायत्री अलग हो गए लेकिन एक दिन उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। लेकिन अभी आप और महेंद्र भाऊ जिस तरह से अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं, दोनों बच्चे कभी मिल ही नहीं पाएंगे। आप कहें तो मैं अभिषेक से बात करती हूँ। नहीं 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 कोई कोई आवश्यकता नहीं है किसी से भी कोई भी बात करने की। तुम है ना अभी कोई भी सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों पे ममता की गांधारी पट्टी पड़ी हुई है। तुम्हें जो राम दिख रहा है ना वो राम नहीं है, दुर्योधन है। लेकिन मैं धृतराष्ट्र नहीं हूँ, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि वो नालायक अभिषेक दुश्मनों के साथ मिलकर दूसरी शादी करने को तैयार है। और तुम क्या चाहती हो? वो धोखेबाज अपना नया घर बसाए और हमारी निर्दोष बच्ची अकेले पूरा जीवन व्यतीत करे? नहीं 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 तो ना ऐसा ऐसा मेरी गायत्री। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं मात्र कृष्णा को खोने के डर से कर रहा हूँ? नहीं जोचना, डर मुझे मेरी गायत्री का लग रहा है। गायत्री का मुझे बिल्कुल भी डर नहीं उर्मिली, क्योंकि अन्ना भाई जैसे भी हैं हमारी गायत्री से हमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं वो। तुझे याद है जब गायत्री ने अभिषेक के साथ डिवोर्स लेने का निर्णय लिया था, तब माँ बाप होने के बावजूद हम उसके विरुद्ध खड़े थे, लेकिन अन्ना भाई एक बाप की तरह उसके साथ खड़े रहे, अपने बेटे को घर से निकाल दिया, एक नहीं सुनी अभिषेक की। मैंने कितनी बार कहा अन्ना भाई बेचारे को एक मौका तो दीजिए सफाई देने का, लेकिन अन्ना भाई नहीं माने। पता है क्यों? क्योंकि उनके लिए हमारी गायत्री के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द गायत्री मंत्र है। अन्ना भाई जो कुछ भी कर रहे हैं हमारी गायत्री के भले के लिए ही कर रहे हैं, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम भी उनके बेटे के लिए अरबों खरबों में से एक लड़की ढूंढे? ढूंढ तो ली है महेंद्र, अब फिर से भूल गए चक्रमलाल। अरे ना भाई ना, ऐश्वर्या मुझे याद है और संपर्क से बाहर भी है। अरे इसके गुणों का क्या आचार डालेंगे तो उसका फोन ही ऑफ आ रहा है। महेंद्र अब कल अन्ना भाई के सामने किसको खड़ा करेंगे? बेटी तो खो चुके हैं, कहीं नाते भी ना खोना पड़ जाए। ऐश्वर्या का फोन, उर्मिली ऐश्वर्या। हेलो बेटा कहाँ हो तुम? पापा पापा। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, क्यों रो रही है तू? पापा पापा मेरी माँ तो गई। हाँ नहीं नहीं वो अभी अभी ऑपरेशन थिएटर में गई है। वो क्या है ना पापा, यार माँ का अकल दांत का ऑपरेशन है, तो उसी परेशानी में फोन ऑफ हो गया पापा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी कल सुबह। सुबह सुबह जल्दी आ जाना बेटा, लेट मत करना। पापा बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अलार्म मत लगाइएगा, मैं कल सवेरे सवेरे आके आप सब कुछ जगाऊंगी। हाँ अभी मैं रखती हूँ पापा। ओके बेटा कल सुबह आ रही हूँ। हाँ शे भगवान बची गया। हाँ।
हाँ भैया जी, क्या हाल चाल? अरे हमारा काम तो हो गया समझिए, कल सवेरे सवेरे हम जा रहे हैं अभिषेक की ऐश्वर्या बनने। अरे भैया जी, आप बहुत ही स्ट्रेस लेते हैं भाई। काहे लिए? आप हमको जैसे जैसे जो जो समझाए हैं वैसे ही करेंगे। हाँ बस भैया जी, एक बार हमें शादी हो जाए। ठीक है चलिए, रखते हैं। हाँ